में स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 9 यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमें उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए एस्टैब्लिश नहीं होती है, ठीक है। तो गाइस वो क्या करती है, वो सोशल सर्विस देती है, मेंबर्स जो उनके ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स होते हैं उनको सर्विस देती है। इसका जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। तो गाइस इसमें लिखा हुआ इंट्रोडक्शन में, द मेन मोटिव बिहाइंड द नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इज टू रेंडर सर्विस। ये क्या करती है जी, रेंडर करती है सर्विस टू द सोसाइटी को, सोसाइटी को सर्विस रेंडर करती है और द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और एक्चुअली जो मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को उनको सर्विस प्रोवाइड करती है। यानी इसका जो मेन मोटिव है वो है सर्विस प्रोवाइड करना, और इसका जो मोटिव रहेगा वो कभी भी प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं रहेगा, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए रहेगा, सोशल वर्क करने के लिए रहेगा। तो ये है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एनपीओ। अब गाइस इसमें बात चलती है कि इसके अपन को जैसे अपन ने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, ठीक है, उसके बारे में भी अपन ने पढ़ा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जिसमें कि अपना ट्रेडिंग आता है, ट्रेडिंग से पहले मैन्युफैक्चरिंग आता है, फिर ट्रेडिंग आता है, फिर पीएनएल आता है, फिर बैलेंस शीट आता है, ये अपन बनाते हैं। यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अपन बनाते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट गाइस, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि एज अ कैश बुक की तरह होता है। कैश बुक आप लोगों ने पढ़ी है, वन कॉलम टू कॉलम जो कैश बुक आप लोगों ने पढ़ी, इसमें कैश अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, सेम उसी की तरीके से होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट equivalent to cash book, cash book की तरह होता है, same procedure रहता है, ठीक है। अपन को पता है कि cash account में अपन two side सारी incomes आती हैं और by side सारे expenses होते हैं, ठीक। cash book same receipt and payment account है, यानी कि अपन लोग क्या करेंगे, left hand side पर तो लिखेंगे receipt और right hand side पर लिखेंगे अपन payment। तो ये बनेगा जी receipt and payment account जो कि equivalent to होगा जी cash book। उसके बाद आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जो कि पीएनएल की तरह होता है। अब गाइस अपन को पता है कि पीएनएल में अपने जो लेफ्ट हैंड साइड आता है उसमें अपने एक्सपेंसेस होते हैं, राइट हैंड साइड अपने इनकम्स होती है, यानी बाई साइड अपन इनकम दिखाते हैं और टू साइड एक्सपेंसेस। तो सेम उसी की तरह, यानी कि अपन को इनकम का कॉलम कौन सा साइड बनाना है जी, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड बनाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड अपन बना देंगे इसमें एक्सपेंडिचर, यानी कि जैसे पीएनएल में टू साइड अपने सारे खर्चे होते हैं और बाई साइड अपनी इनकम। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरी बात करते हैं बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट अपन ने जैसे प्रिपेयर करी है सेम उसी तरीके से बैलेंस शीट यहां पर भी अपन प्रिपेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ेंगे इसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ेंगे और पढ़ेंगे इसमें बैलेंस शीट। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तीनों की तीनों चीजें अपनी कवर होने वाली है। अब आइए बात करते हैं सब स्पेशल आइटम्स के बारे में। इससे पहला लिखा हुआ है कि आइटम्स ऑफ फुल्ली रेवेन्यू नेचर, यानी वो आइटम जो पूरे के पूरे कौन से नेचर के होंगे, रेवेन्यू नेचर के होंगे। तो अपन को ये डिसाइड क्यों करना है कि रेवेन्यू कैपिटल होगी, अपन को ये बात अच्छे से पता है कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है उसमें अपने कौन से नेचर के खर्चे जाते हैं, कौन से रेवेन्यू नेचर के, उसके एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर के और रेवेन्यू नेचर की इनकम जाती है, और कैपिटल नेचर के जो एक्सपेंसेस और इनकम होती है वो अपने कहां पे जाती है, बैलेंस शीट के अंदर जाती है, ठीक है। तो इसलिए अपन आइटम्स ऑफ फुल्ली रेवेन्यू नेचर के निकालेंगे, आइटम्स ऑफ फुल्ली जो कैपिटल नेचर के होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और डीम्ड कैपिटल रेवेन्यू आइटम अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस। डीम्ड मतलब मान लेना, मान लिया हुआ, यानी अपन मानेंगे कि कैपिटल और रेवेन्यू वो कंडीशन पे डिसाइड होगा कि उसको अपन को रेवेन्यू नेचर का मानना है या कैपिटल नेचर का मानना है, ठीक है। तो ये डीम्ड कैपिटल रेवेन्यू आइटम्स अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तीनों के तीनों अपन पढ़ने वाले सम स्पेशल आइटम्स। आई होप कि ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई, इंट्रोडक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर तीन चीज और स्पेशल आइटम, ठीक है। तो ये अपन बात करते हैं, यानी आइटम्स ऑफ फुल्ली रेवेन्यू नेचर, उन आइटम्स की जो कि पूरी तरह से कौन से होते हैं, रेवेन्यू नेचर के होते हैं। तो यानी कि अपन पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनपीओ के लिए कौन से नेचर यानी रेवेन्यू नेचर के आइटम पढ़ रहे हैं, जिसमें भी इनकी इनकम्स भी होगी और इनके एक्सपेंसेस भी होंगे, लेकिन कौन से नेचर के होंगे, रेवेन्यू नेचर के। सबसे पहले लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन को अगर बात बोले हिंदी में तो जो होते हैं चंदा, यानी सब्सक्रिप्शन लेती है, चंदा इकट्ठा करती है, कौन करेगी, एनपीओ, ठीक है। तो ये रेवेन्यू नेचर की होती है जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है। कंज्यूमेबल स्टोर का मतलब होता है कि एनपीओ जो है वो कितना कंज्यूम कर रहा है, यानी कोई भी जैसे स्टेशनरी है तो उन्होंने कितनी परचेज करी थी, उसका ओपनिंग बैलेंस क्या था, क्लोजिंग बैलेंस क्या था, कितना पेमेंट आउटस्टैंडिंग था, कितना प्रीपेड था, ये सब मिला के अपन निकाल देंगे उन्होंने ड्यूरिंग द जो ईयर कितना स्टेशनरी कंज्यूम्ड किया है, तो होता है कंज्यूमेबल स्टोर, ठीक है। कंज्यूम जो करते हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है, क्योंकि रेवेन्यू नेचर के सारे आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे और कैपिटल नेचर के बैलेंस शीट में जाएंगे, ठीक है जी। और कैपिटल और जो कैश अकाउंट होता है यानी कि इनका जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसमें दोनों नेचर के जाते हैं, कैपिटल नेचर के भी और रेवेन्यू नेचर के भी, ठीक है।
उसके थर्ड पे रखा है सेल प्रॉफिट ऑफ कंज्यूमर स्टोर, यानी कंज्यूमर मटेरियल को अगर सोल्ड करते हैं तो वो कौन सी नेचर का रेवेन्यू नेचर पर ही कहा जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। उसके बाद अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप, इन्होंने कोई स्क्रैप थी कोई टूट फूट थी जो इन्होंने सेल कर दी बेच दी तो वो पैसा आएगा इनके पास, तो वो भी कहा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, यानी इनकम साइड जाएगा। परचेस एंड सेल ऑफ मैगजीन्स, मैगजीन्स वगैरह लोग परचेस वगैरह करते हैं तो परचेस करेंगे और सेल करेंगे तो वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, ठीक है गाइस। उसके बाद बस बात करते हैं सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड गेम्स मटेरियल, उन्होंने कोई ओल्ड गेम्स मटेरियल था उसको सोल्ड कर दिया तो उससे भी इनको पैसा रिसीट होगा, तो वो भी किस में जाएगा जी, रिसीट वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। अब एक बात करते हैं होनोरेरियम के बारे में। होनोरेरियम का मतलब होता है कि कोई आउटसाइडर एक व्यक्ति को ये लोग बुलाते हैं जो कोई एम्प्लॉय नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो सर्विस उनसे लेते हैं तो उस सर्विस के बदले उनको पेमेंट करना होता है, उसे अपन बोलते हैं होनोरेरियम, ठीक है। यानी उसको कौन एनपीओ उसको कह देता है, उनसे सर्विस लेता है एनपीओ और उसको क्या देगा पैसे पेड करेगा, तो बोलता है जी होनोरेरियम, यानी कि आउटसाइडर से इसको बुलाया जाता है, ये एम्प्लॉय नहीं होता है, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं 8 point की प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। और गाइस 9 पे अदर रेवेन्यू एंड इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर, अगर कोई अदर रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर है तो वो भी आ जाएगा। तो इस पे लिखा हुआ है आइटम्स ऑफ फुल्ली रेवेन्यू नेचर, तो यानी कि 9-10 point जो कि अपन ने पढ़े सब्सक्रिप्शन यानी कि चंदा, इसका मेन पॉइंट इस पूरे चैप्टर के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। कंज्यूमेबल स्टोर यानी कितना इन्होंने स्टोर में कंज्यूम करा है, सेल प्रॉफिट कंज्यूमर मटेरियल को बेच दिया, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप स्क्रैप को बेचते हैं, परचेज एंड सेल करते हैं मैगजीन्स को, सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड गेम्स मटेरियल को उन्होंने बेच दिया है, होनोरेरियम है, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और अदर रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये है गाइस आइटम्स ऑफ फुल्ली रेवेन्यू नेचर, ठीक है। तो गाइस अपन पढ़ेंगे आइटम ऑफ फुल्ली कैपिटल नेचर, मतलब वो आइटम जो पूरी तरह कैपिटल नेचर के होते हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है लेगेसी, लेगेसी का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसके बाद उसका जो पेमेंट है वो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाता है, उसे अपन बोलते हैं जी लेगेसी, ठीक है, बात समझ आ रही है। उसे क्या बोलते हैं जी लेगेसी बोलते हैं। और उसका पता है सेकंड लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस यानी वन टाइम पेमेंट होता है, ठीक है, और ये पेमेंट कैपिटल फंड में ऐड होता है, और ये भी कौन से नेचर का होता है जी कैपिटल नेचर का, इसको अपन कैपिटल फंड में ऐड करते हैं या फिर अपन इसको सेपरेट लाइफ मेंबरशिप फीस के नाम से भी इसको शो कर सकते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड। थर्ड पॉइंट है परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी परचेस करेंगे और सेल करेंगे फिक्स्ड एसेट्स, तो वो भी कौन से नेचर की है जी कैपिटल नेचर की। हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो अपना किस में जाता है रिसीट यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। उसके बाद अपन फंड्स की बात करते हैं, तो एक होता है जनरल फंड, मतलब जनरल पर्पस के लिए कोई फंड दिया गया है तो वो जनरल फंड होता है, ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। स्पेसिफिक फंड होता है जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाता है, तो इसको भी हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाते हैं स्पेसिफिक फंड के नाम से, जो भी जिस भी चीज के लिए दिया जाता है। फिर तीसरा फिक्स्ड एसेट्स फंड, ये फिक्स्ड एसेट्स फंड फिक्स्ड एसेट्स के लिए दिया जाता है, इसको भी अपन लायबिलिटी साइड फिक्स्ड एसेट्स फंड्स के नाम से दिखाते हैं। एंडोमेंट फंड यानी कि गाइस ये भी एक स्पेसिफिक फंड ही होता है, लेकिन इसमें और इसके स्पेसिफिक फंड में डिफरेंस क्या है कि जो एंडोमेंट फंड है स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाता है, अगर इसका प्लस बैलेंस होता है तो उसको हम लायबिलिटी साइड शो कर देते हैं, और अगर इसका माइनस बैलेंस चला जाता है तो फिर जो भी बैलेंस जो माइनस होता है उसको अपन रिसीट यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड दिखा देते हैं, ठीक है। ये है एंडोमेंट फंड, यानी जनरल फंड जनरल पर्पस के लिए, स्पेसिफिक फंड स्पेसिफिक पर्पस के लिए, फिक्स्ड एसेट्स फंड यानी फिक्स्ड एसेट्स के लिए, और एंडोमेंट फंड स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, ठीक है, इसको बैलेंस शीट में ही दिखाते हैं। लेकिन अगर इसका प्लस बैलेंस होता तो बैलेंस शीट में दिखाइए, लेकिन अगर हम कोई स्पेसिफिक यानी कि स्पेसिफिक पर्पस था और हमने उसके लिए कोई एक्सपेंसेस खर्च करे और इससे ज्यादा हो जाते हैं एंडोमेंट फंड से ज्यादा हो जाते हैं, तो वो जो माइनस का जो पैसा है उसको अपन कहां पे चले डाल देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। तो गाइस ये है लेगेसी, लाइफ मेंबरशिप फीस, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और फंड्स। तो आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ये है फुल्ली कैपिटल नेचर के। इससे पहले अपन ने पढ़े फुल्ली रेवेन्यू नेचर के, अब अपन पढ़ने वाले हैं इसमें जिसको अपन रेवेन्यू नेचर का भी मान सकते हैं और कैपिटल नेचर का भी मान सकते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस अपन बात करेंगे कैपिटल / रेवेन्यू आइटम डिटरमाइन इन अकॉर्डिंग विद द सर्कमस्टेंसेस, जिनको सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा। सबसे पहले डोनेशन, डोनेशन होता है जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। अगर जनरल डोनेशन दिया गया है तो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा जनरल डोनेशन, ठीक है, और स्पेसिफिक डोनेशन इसका मतलब ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेट करा जा रहा है पैसा, तो फिर वो बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन में गाइस ये है कि जनरल डोनेशन नॉर्मल डोनेशन होता है, बहुत कम अमाउंट का होता है, तो इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाता है, ठीक है जी।
और यानी कि जो स्पेसिफिक डोनेशन है यानी कि जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए देते हैं तो ये अपना बैलेंस शीट में जाता है और स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो ये होता है डोनेशन। अब कहीं बात करते हैं एंट्रेंस एंड एडमिशन फीस, यानी एंट्रेंस एंड एडमिशन फीस ये एक कैपिटलाइज्ड होती है, ठीक है, इसको अपन इस कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कुछ दे रखा है कि इसको क्या मानना है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं, नहीं तो अपन इसको क्या मानेंगे, कैपिटलाइज्ड नेचर की होती है ये एंट्रेंस एंड एडमिशन फीस और इसको कैपिटल फंड में ऐड करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रांट्स। ग्रांट्स होती है जो सरकार से रिसीव होती है, गवर्नमेंट से रिसीव होती है। अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है तो इसको अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं, और किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ग्रांट अगर सरकार ने दी है तो फिर इसको अपन बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। तो ये तीनों समझ में आ गए। डोनेशन में जनरल डोनेशन यानी जनरल पर्पस के लिए होता है, स्पेसिफिक यानी कि स्पेसिफिक पर्पस होगा, यानी कि ये तो रिसीव सॉरी ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का और ये कहां पे है जी बैलेंस शीट का आइटम लायबिलिटी साइड जाएगा। एंट्रेंस एंड एडमिशन फीस को आपको हमेशा कैपिटलाइज मानना है, कैपिटल फंड में ऐड होगा, लेकिन अगर अपन को कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट करेंगे। और ग्रांट है यानी कि गवर्नमेंट से रिसीव होती है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव हुई है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे, और अगर कुछ भी नहीं है तो इसको अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। तो गाइस अपन ने तीनों समझ लिए। सबसे पहले अपन ने फुल्ली रेवेन्यू नेचर समझा, फिर फुल्ली कैपिटल नेचर समझा, और फिर सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग कैपिटल रेवेन्यू नेचर को समझा। आई होप कि तीनों पॉइंट ही आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे, और एनपीओ के बारे में जो अपन इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसमें अपन को तीन चीज प्रिपेयर करनी है जी, इनकम रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आई होप कि ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो गाइस अपन लेक्चर नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट है जो कि पेज नंबर 9.2 पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें अपन से पूछा रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट, तो अपन ने समझा था कि रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट एज अ कैश अकाउंट की तरह होता है, जैसा अपन कैश अकाउंट प्रिपेयर करते हैं सेम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। तो पहले गाइस इसका एक बार फॉर्मेट देखने की कोशिश करते हैं कि क्या इसका फॉर्मेट बनेगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का। तो देखो जैसे आप लोगों ने कैश अकाउंट बनाया है सेम उसी तरीके से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अपन को बनाना है, ठीक है जी। तो ये है जी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। अपन को पता है कि गाइस कैश अकाउंट बनाते हैं तो टू साइड की रिसीट आती है, तो रिसीप्ट्स अमाउंट और इधर अपन लोग करते हैं पेमेंट, पेमेंट अमाउंट, ठीक है। और जो अमाउंट है वो अपनी रुपीज में, ठीक है। तो गाइस ये है यानी इसका फॉर्मेट है रिसीट अमाउंट पेमेंट अमाउंट। कैश अकाउंट में अपन सेम प्रोसीजर करते हैं, टू साइड रिसीट आती है, वाई साइड हमारे सारे सारे एक्सपेंसेस आते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ये अपना है। गाइस इसमें सबसे पहले आपको बात समझने की कोशिश करनी है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश से रिलेटेड ही आएगा, यानी कि आपने कैश में कोई इनकम रिसीट करी होगी या फिर पेड करी होगी, ठीक है। तो अपन को सारा का सारा इसमें दिखाना है, ठीक है। रिसीट हुआ है, कहीं से डोनेशन आया है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक फंड रिसीट हुआ है, तो सारी की सारी इसमें आएगी। और पेमेंट आपने कुछ भी करा तो उसमें आएगा। इसमें पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट आपने कभी का पेमेंट रिसीव करा हो, कभी का पेमेंट आपने पेड किया हो, वो सारा का सारा आएगा। ये यानी जो प्रेजेंट के साथ साथ पास्ट एंड फ्यूचर दोनों को इंक्लूड करता है, ठीक है। इसमें बस आपको एक बात याद रखनी है, पेमेंट या तो हुआ है या फिर आपको रिसीट हुआ है, ठीक है, दोनों चीज हो रही है। कभी का पेमेंट आपने किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पूरा का पूरा इसके अंदर दिखाना है। ये इसका फॉर्मेट है रिसीट अमाउंट पेमेंट और अमाउंट, ठीक है। तो अब इस लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि लिखा हुआ है द रिसीट एंड पेमेंट फॉर द स्वराज क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी स्वराज क्लब का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अपन को बनाना है। तो अपन यहां पे क्या लिखेंगे, SWR स्वराज क्लब, ठीक है जी। तो अपन लिख दिए स्वराज क्लब, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ठीक है। इसका लगा है यानी स्वराज क्लब का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 का अपन को बनाना है। इसमें लिखा हुआ एंट्रेंस फीस, तो अपन को समझना है इसमें कौन सी तो अपन को रिसीट और कौन सा अपन को पेमेंट है। तो गाइस जो एंट्रेंस फीस है वो एनपीओ को रिसीट होती है मिलती है, तो अपन कहीं रिसीट साइड आ जाएगी, ठीक है। मेंबरशिप फीस है ये भी मिलती है, तो ये भी रिसीट साइड आएगी। डोनेशन फॉर क्लब पवेलियन, डोनेशन मिला क्लब पवेलियन के लिए, तो ये भी हमारी रिसीट है, तो ये भी रिसीट साइड आएगी। फूड स्टफ सेल, फूड स्टफ सेल करा है तो वो भी क्या है, उससे भी क्या है, पैसा आएगा तभी रिसीट साइड आएगी, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है सैलरी एंड वेजेस है, एक्सपेंसेस है, तो पेमेंट साइड आएगा, ठीक है। परचेज ऑफ फूड स्टफ है, आपने फूड स्टफ को परचेस कराया तो पैसा जाएगा, तो आपका
पेमेंट साइड आएगा। उसके लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पवेलियन, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन कराया क्लब पवेलियन पर तो पैसे जाएंगे तो वो भी पेमेंट साइड आएगा। जनरल एक्सपेंसेस हमारे 600 है वो भी हमारे पेमेंट साइड आएंगे। रेंट एंड टैक्सेस आपने 400 की पेड किए वो भी आपके पेमेंट साइड आएगा। बैंक चार्जेस 160 का लगाए तो वो भी आपका पेमेंट साइड आएगा। ठीक है, ये तो अपने समझ लिया। इसमें लिखा हुआ है कैश इन हैंड अप्रैल 1st को दे रखा है अपन को, यानी कि 200 दे रखा है कैश इन हैंड 200 और 1 अप्रैल को हमारा कैश इन बैंक दे रखा 400 और ऐसे 31st मार्च यानी क्लोजिंग बैलेंस कैश का भी दिया हुआ है और अपन को किसका दिया हुआ है बैंक का, यानी दोनों के दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अपन को पता है कि अपन जब कैश अकाउंट बना रहे होते हैं तो सबसे पहले अगर ओपनिंग बैलेंस होता है तो अपन यहां पर लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कैश और लिखेंगे बैंक। तो कैश और बैंक का जो अपन को ओपनिंग दे रखा है कैश का तो दे रखा है 200 और बैंक का अपन को दे रखा है 400। ठीक है, अपन इन दोनों को ऐड करके बाहर लिख देंगे 600। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। एज अ कैश अकाउंट उसी तरीके से अपन इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद जी अब इसके एक्सपेंसेस देखते हैं जी, यानी पहले इनकम देखते हैं। तो पहले लिखेंगे यहां पे पेपर 2 एंट्रेंस फीस। ठीक है जी, तो कितनी एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है जी 300। ठीक है, 2 मेंबरशिप फी, तो मेंबरशिप फीस कितनी रिसीव हुई है गाइस वो हुई है 3000। तो अपन को 3000 यहां पे लिख दिया। उसके बाद अब इन्होंने लिखा है डोनेशन फॉर क्लब पवेलियन, डोनेशन मिला है 2 डोनेशन ऑफ क्लब पवेलियन। ठीक है, तो 2 डोनेशन ऑफ क्लब पवेलियन का इनको मिला है, वो मिला है 10000। ठीक है गाइस, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, फुल फॉर्म में लिखना 2 डोनेशन ऑफ क्लब पवेलियन 10000। उसके बाद इन्होंने फूड स्टफ सेल करा है तो यहां पे लिख दिया 2 फूड स्टफ सेल्स। ठीक है, तो फूड स्टफ जो सेल इन्होंने करा है वो किया है 1200 का, तो वो भी इनकी रिसीट साइड आ गया, यानी कि इनसे इनको पैसा मिल गया यानी 1200। उसके बाद इन्होंने सैलरीज एंड फीस, तो अपन को पड़ता है खर्चा है, तो बाय सैलरीज एंड वेजेस, तो ये अपना पेमेंट साइड चला जाएगा। ये आ रहा है गाइस अपना सैलरीज एंड वेजेस का 1200। ठीक है, ये भी अपन का 1200 दिया हुआ। उसके बाद सैलरीज एंड वेजेस के बाद आपको दिया हुआ है परचेस ऑफ फूड स्टफ, तो लिखेंगे बाय परचेज ऑफ फूड स्टफ। ठीक है, कितने का दे रखा है फूड स्टफ, ये आपको दे रखा है 800 का। उसके बाद कैसे आपको दे रखा है यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पवेलियन, तो यहां पर लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पवेलियन। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कितना खर्चा करा है, ये आ रहा है जी आपका 11000 का, तो अपन ने यहां पे लिख दिया जी 11000। उसके बाद इन्होंने लिखा है जनरल एक्सपेंसेस हुए 600 के, तो अपन यहां पे लिखेंगे बाय जनरल एक्सपेंसेस। तो गाइस जनरल एक्सपेंसेस जो इनके खर्चे हुए हैं जी 600 के, तो अपन ने 600 लिख दिया। उसके बाद इनका आगे जो देखा वो देखा रेंट एंड टैक्स, यहां पे लिखेंगे बाय रेंट एंड टैक्सेस। तो रेंट एंड टैक्सेस का गाइस जो एक्सपेंसेस दे रखा वो दे रखा है जी 400, तो अपन ने यहां पे लिख दिया जी 400। ठीक है गाइस, उसके बाद इन्होंने दिया बैंक चार्जेस, तो अपन ने यहां पे लिखा बाय बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस का इनको दे रखा है 160। उसके बाद इन्होंने हमको दे रखा है नीचे अपन के ओपनिंग बैलेंस से अपन लिखनी है जी क्लोजिंग, तो यहां पे लिखा दिया अपन ने बाय बैलेंस कैरिड डाउन, अंडरलाइन किया, अपन ने लिखा कैश और लिखा है जी बैंक। तो कैश का देखते हैं कितना दे रखा है 350 कैश का दे रखा है और उसके बाद अपन को बैंक का दे रखा है जी 590। ठीक है गाइस, इन दोनों को अपन ऐड करके और लिख देंगे जी बाहर। ठीक है, यानी कि 350 प्लस 590 तो ये अपन लिखेंगे 940। ठीक है, कितना लिखेंगे 940 और दोनों साइड का टोटल लगाएंगे। एक्चुअली क्या है इसमें, तो सिर्फ आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ आइटम्स को डालना था, रिसीट साइड कौन से आएंगे, पेमेंट साइड कौन से आएंगे, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था। क्वेश्चन में हो सकता है आपको क्लोजिंग बैलेंस ना दे रखा हो, अपन को निकालना पड़े, हो सकता है ओपनिंग बैलेंस ना दे रखा हो, अपन को निकालना पड़े। ठीक है, तो अपन इसको टोटल करते 600 प्लस 300 प्लस 3000 प्लस 10000 600 प्लस 300 प्लस 3000 प्लस 10000 और प्लस 1200, तो गाइस इधर का आ रहा है 15100। ऐसे अपन उधर का चेक करते हैं जी, 1200 प्लस 800 प्लस 11000 प्लस 600 प्लस 400 प्लस 160 प्लस 940, तो गाइस ये भी आ रहा है 15100। यानी टोटल अपन ने करा तो 15100 दोनों साइड का इक्वल बैलेंस आया है। ये है स्वराज आज क्लब का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। ये था इलेक्शन नंबर 1st एज अ कैश अकाउंट।
रिसीट साइड पेमेंट साइड, अपन को बस कैश में रिसीट होनी चाहिए तो इधर लिखेंगे और कैश में पेमेंट हो रहा है तो इधर लिखेंगे। अगर कैश में पेमेंट नहीं हो रहा है, रिसीट नहीं हो रही है, तो वो अपन को इस अकाउंट में नहीं लिख सकते। दूसरी बात, पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट के कोई भी इनकम कोई भी एक्सपेंसेस आपको कैश में रिसीट और कैश में पेड हो रही है तो वो इसमें आएगी। ठीक है, तो ये था अपन का इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट जो कि अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अपन का ले रहे हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है, अपन कौन सा करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो कि आपके पेज नंबर दे रखा है 9.6, पेज नंबर दे रखा है 9.6। ठीक है, तो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो गाइस इसमें क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ड्यूरिंग 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है आपको कैश में 40,000, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर 2020 में आपको जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है कैश में 42,000 हुआ है। इसमें इंक्लूड था 1600 2019 का और 600 2021 का। तो गाइस समझते हैं, यानी कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, अगर अपन बोले 2020 में तो अपन को हुआ थी कैश में रिसीव हुआ है 42,000। ठीक है जी, ये अपन को कैश में रिसीव हुआ है रुपीज 42,000। ठीक है, अब इसमें क्या अपन को पता है कि इसमें जो इंक्लूड है, इसमें क्या लिखा हुआ है इन्होंने, इंक्लूड यानी कि 16, इसमें इंक्लूडेड 2019 का 1600, ठीक है जी, 2019 का और 2021 का 2021 का 600 इसमें इंक्लूड है। ठीक है, और इन्होंने आगे बोला है कि 3000 हैज स्टिल टू बी रिसीव फॉर 2020, यानी आउटस्टैंडिंग रह गया 2020 में रुपीज 3000 जो थे वो रह गए जी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब यानी इन्होंने बोला है ना कि 3000 हैज स्टिल बी रिसीव्ड, यानी वो रिसीव्ड नहीं हुआ है, स्टिल बी रिसीव्ड फॉर 2020 में कितने जी 3000। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था ड्यूरिंग द ईयर 2020 में कैश में 42,000 जिसमें 1600 2019 का शामिल था और 600 2021 का शामिल था, तो 2020 में 3000 हमारे आउटस्टैंडिंग में रह गए हैं, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको। और अगर बोला रिक्वायर्ड कैलकुलेट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन एस इन रेस्पेक्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन, यानी कि ये पूछ रहा है कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी अमाउंट आपको दिखानी है। तो पहले तो अपन को सबसे पहले फर्स्ट क्लेरिफिकेशन ये रहेगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो एज अ पी एंड एल होता है। पी एंड एल में गाइस क्या होता है, जिस साल अपन बना रहे होते हैं उसी साल के खर्चे अपन उस पर लेते हैं, चाहे वो आपने पेड किए हुए हो और चाहे वो आपने नहीं किए हो, केवल उसी साल के खर्चे अपन को लेने हैं। ठीक है, तो अपन को सेम उसी की तरह से प्रोसीजर फॉलो करना है। तो गाइस इसका पहले मैं फॉर्मूला समझा रहा हूं, जरा ध्यान से समझना कि अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि आपको अमाउंट ट्रांसफर करनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, यानी कि तो किस तरीके से होगी। ठीक है, तो उसके बारे में अपन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सीधा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये अपन लेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, इसमें अपन लोग ऐड क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि जो हमारा सब्सक्रिप्शन जो रिसीव यानी कि आउटस्टैंडिंग रह जाएगा इस जिस साल भी हम इसको प्रिपेयर कर रहे होंगे एंड में, उसको अपन को ऐड करना पड़ेगा। लेस करेंगे इसमें से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, यानी कि अपना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा बिगिनिंग का, मतलब वो इस साल का नहीं था, वो पिछले साल का क्लोजिंग था, तो वो इस साल का हमारा क्या बना है जी ओपनिंग, तो वो इस साल का सब्सक्रिप्शन नहीं है, इसलिए अपन लेस करें। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर इस साल अपना कोई भी आउटस्टैंडिंग रह जाता एट द एंड तो इसी साल का है, तो अपन उसको ऐड करते हैं। ठीक है, क्योंकि पी एंड एल में सिर्फ वही दिखाना है जो इस साल का है, इसमें अपन ऐड करते हैं
प्रीपेड या बोल सकते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि प्रीपेड या एडवांस एक ही बात होती है, सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी कि हमें लास्ट ईयर प्रीपेड मिला, प्रीपेड यानी कि हमें इस साल का मिला था पहले, तो वो इस साल का था तो उस साल हमने कोई भी एडजस्टमेंट किया नहीं होगा, उसमें हमने माइनस किया होगा और हम यहाँ पर ऐड करेंगे क्योंकि वो इस साल का सब्सक्रिप्शन था, तो वो अपन को ऐड करना है प्रीपेड एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि जो हमें पहले मिल गया वो है इस साल का, तो वो अपन को ऐड करना पड़ेगा जी, और लेस करेंगे प्रीपेड या बोल सकते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। और इसके बाद जो भी अमाउंट आएगी उस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब दोबारा अपन उसको समझने की कोशिश करते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव योर ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, जो भी कैश में उसको अपन ने लिखा उसमें ऐड किया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रह गया एंड एट द एंड ऑफ द ईयर में, तो उसको अपन ने ऐड करा क्योंकि इसी साल का अपना सब्सक्रिप्शन था। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी जो बिगिनिंग में था उसको अपन ने लेस करा क्योंकि वो इस साल का नहीं था, वो पिछले साल का था, तो इस साल वो आगे आया था ओपनिंग मंथ के, इसलिए अपन ने उसको लेस कर दिया क्योंकि इस साल का नहीं है। प्रीपेड एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी पिछले साल हमको एडवांस मिला होगा जो कि इस साल का सब्सक्रिप्शन था, तो वो अपन ने ऐड कर दिया, और लेस करते हैं प्रीपेड एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर यानी इस साल हमें कोई भी एडवांस मिला होगा जो कि इस साल का नहीं है वो अगले साल का है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया जी, लेस कर दिया है। तो आई होप यू गाइस ये सारे ऐड लेस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगी उसको अपन ट्रांसफर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, यानी सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर ऐड करेंगे क्योंकि और इस साल का जो भी सब्सक्रिप्शन का बनता है उसको अपन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करना है, और वो भी कौन सी साइड, इनकम साइड। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसी जो क्वेश्चन था इलेक्शन नंबर 2 इसी को अपन इसमें सॉल्व करते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा। तो मैं इसी को यहीं पे जो अपन ने टिक लगाया है इसको इरेज करके रही मैं आपको अमाउंट समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखें कि अपन को 42,000 मिला, तो अपन ने यहां पे लिख दिया जी 42,000 यानी कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 42,000। फिर अपन का लिखा हुआ है यहां पे इसमें 2019 तक कितना शामिल था जी, 1600 शामिल था, तो वो अपन को मिला होगा, तो अपन लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी कितना 1600, ठीक है। अपन ने 1600 लेस करा दिया, इसमें 600 2021 का शामिल था यानी प्रीपेड यानी एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि हमको ये मिला है कितना 600। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। और इसमें 2020 में 3000 अपना आउटस्टैंडिंग रह गया इस साल का, तो इसमें लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर कितना गाइस 3000। दोबारा समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि 42,000 रिसीव हुआ अपन लिख दिया, 1600 शामिल था 2019 का, तो यानी कि वो आउटस्टैंडिंग हुआ तो इस साल को मिला होगा, तो वो अपन को लेस करने लिखा होगा ना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो 1600 अपन ने लेस करा दिए। उसके बाद 2021 का मिला था इस साल, तो इसका मतलब वो एडवांस है यानी कि तो वो अपन को लेस कराना है, तो प्रीपेड एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर 600 अपन ने लेस करा, और 2020 का 3000 आउटस्टैंडिंग था, तो अपन क्या यानी कि इस साल का क्लोजिंग है, तो अपन को क्या करना है ऐड करेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर 3000, इसको ऐड लेस कराएंगे, और इसमें जो प्रीपेड एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग वो है नहीं है, तो इसका इसलिए अपन ने कुछ नहीं करा, इसको ऐड लेस करके और देखते हैं कि कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। 42,000 प्लस 3000 माइनस 1600 और माइनस करेंगे जी 600, तो अगर ये आएगा 42,800 कितना आएगा जी 42,800 जो कि आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सब्सक्रिप्शन का मैंने आपको प्रॉपर एक तरीके से वे में पूरा समझा दिया है कि कौन कौन सी चीज इसमें ऐड करेंगे, कौन कौन सी चीजें लेस करेंगे, आपको समझनी है। ये एक एग्जाम्पल था सब्सक्रिप्शन का, सारे के सारे ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए इसी तरीके से होंगे। लेकिन गाइस अगर अपन बात करें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर अपन को लेनी है कोई अमाउंट, तो ये सारे के सारे जो भी एड लेस है सब रिवर्स हो जाएगी, जो एड है वो लेस हो जाएगा, जो लेस है वो एड हो जाएगा, यानी कि रिवर्स
करना है तो ये रिसीवेबल पेमेंट अकाउंट का अपन को अमाउंट निकल के आ जाएगा। लेकिन अभी तो अपन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में समझना है, तो मैंने एक एग्जांपल यानी सब्सक्रिप्शन का जो आपको दे रखा था मॉड्यूल में वो अपन ने समझाया। सारे के सारे ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए इसी तरीके से आपको करने हैं, ठीक है। आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं आपके लक्ष्य में और क्या बोलना है। तो अब देखो इसने कैलकुलेट अमाउंट ऑफ क्रेडिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रेस्पेक्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो मैंने ये निकाल दिया 42,800। अब इन्होंने क्या करा हुआ है आपके सॉल्यूशन में, इन्होंने नीचे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का अकाउंट बनाया हुआ है, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाया हुआ है और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का अकाउंट बनाया हुआ है। तो गाइस ये भी बहुत सिंपल है जो कि अपन का तरीके से अपन इसको बना सकते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, मैं इसकी जो अकाउंट है वो आपको समझा देता हूं, ठीक है। ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो अपन इसमें सब्सक्रिप्शन के लिए अकाउंट बनाते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। इन्होंने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना रखा है, तो अपन बना दीजिए अकाउंट। अपन को आता है ये पर्टिकुलर अमाउंट, देन पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है जी। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एम, ठीक है। ये उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बाद इन्होंने सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना हुआ है, तो वो भी अपन बना लेते हैं जी। सब्सक्रिप्शन अकाउंट सेम तरीके से पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है ये। और उसके बाद इन्होंने एक अकाउंट और बनाया हुआ है, वो है जी सब्सक्रिप्शन एडवांस का। तो चलो एडवांस का अपन देखते हैं बाद में। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की अपन को पता है, आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन है वो हमारी इनकम है, तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस आएगा वो आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो अपन को पता है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बारे में चलते हैं, तो ऊपर क्वेश्चन में अपन को लिखा था कि 1600 2019 का शामिल था, तो इसका मतलब ये 1600 अपना ओपनिंग रहा। आगे एक बात समझ में आई। अब दूसरी बात अपन को पता है कि 2021 का 600 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, और 3000 का अपना 2020 का रह गया था, तो बाई बैलेंस कैरी डाउन 3000। तो गाइस ये था अपना यानी ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। अपन को पता है कि 1600 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, तो इस साल अपन कमाएंगे, तो इसको अपन ट्रांसफर करेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो ये चला जाएगा 3000, ठीक है। दोनों साइड में टोटल करेंगे 4600 और 4600, ये बाय बैलेंस करेंट डाउन है, अगले साल का ये ओपनिंग बन जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब गाइस सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, सब्सक्रिप्शन में अपन को मिला था 42000 का। सबसे पहले इन बैलेंसों को ट्रांसफर कर लेते हैं, तो अगर ये बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट है तो यहां पे आएगा जी टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो गाइस कितना जाएगा 1600, और ये इधर चला जाएगा बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। कितना है जी 3000। आई होप कि बात आपको अच्छे से समझ में आई हो। उसके बाद अपन को सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था कितने का गाइस 42000 का, एंट्री पोस्ट हुई होगी बैंक अकाउंट DR टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो अपन यहां पे लिखेंगे बाय बैंक कितने का गाइस 42000 का, ठीक है गाइस। आई होप कि बात आपको समझ में आई होगी, यानी कि बैंक से पैसा आया बैंक अकाउंट DR टू सब्सक्रिप्शन, तो बाय बैंक 42000 का, ठीक है। तो गाइस जैसे ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का आपको अकाउंट समझ में आया, यानी कि जो ये ओपनिंग था इसका पैसा इस साल मिलेगा तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और ये हमारा क्लोजिंग था तो इसको भी हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो अपन ने ऑटोमेटिकली ये बात यहां पे सेट हो गई, तो जिससे कि अपन का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हमारा क्लोजिंग था वो देखो ऐड हो रहा है इसके साथ, और जो हमारा पिछले साल का था वो इधर जाएगा तो माइनस होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी फॉर्मेट से समझाया था, तो सेम प्रोसीजर उसी की तरीके से फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अकाउंट हटा रहा हूं, अब इसकी जगह हम बनाएंगे प्रीपेड सब्सक्रिप्शन का, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन,
यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड बोल सकते हैं या एडवांस बोल सकते हैं, ठीक है जी, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन या एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो ये इसका बनेगा। अपन को बताया कि प्रीपेड जो हमारा सब्सक्रिप्शन है यानी कि वो हमारी लायबिलिटीज है और ठीक है वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, तो अगर हमारी जो लायबिलिटीज होती है उनके जो हम क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे तो गाइस वो कहां पे लिखा जाएगा जरा ध्यान से समझिएगा। अगर हमारी कोई भी लायबिलिटीज होती है तो अपना बैलेंस यहां पे आया होगा टू, बैलेंस कैरिड डाउन कितना था जी, अपन देखेंगे 2021 का अपन को कितना मिला जी 600 मिला है, तो अपन ने यहां पे 600 लिख दिया और ये सब्सक्रिप्शन में अकाउंट में जाएगा, तो बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे अपन इसको 600 लिखेंगे और ये कर देंगे जी क्लोज, ठीक है गाइस, ये 600 दोनों साइड चला गया और ये जो सब्सक्रिप्शन है जो ये यहां पे आ जाएगा टू प्रीपेड सब्सक्रिप्शन गाइस कितना 600, तो अपन निकालेंगे इसमें कितना जो है हमारा इंक्रीमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा 42000 प्लस 3000 माइनस करेंगे इसमें से 1600 और माइनस करेंगे 600, तो गाइस आएगा 42800, तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है जी, बैलेंसिंग फिगर ये आएगा गाइस 42800, ठीक है, तो ये हमने नॉर्मल भी निकाल लिया था और ये अपन ने अकाउंट के थ्रू भी निकाल लिया है, ये इसका प्रोसीजर है गाइस 45000 45000। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ये प्रीपेड सब्सक्रिप्शन का अकाउंट था, इससे पहले अपन ने आउटस्टैंडिंग का समझा और ये थी सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है, तो जैसे अपन को जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था अपना 3000 का ये अपन का इसी साल का है और बाय बैंक अपना 42000 जो अपन को मिला ये, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अपने पिछले साल का था तो ये अपन का लेस हुआ है, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन जो अपन को एडवांस मिला वो लेस हुआ है, तो अपन का मिला माइनस करने के बाद 42800 जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा, ये अपन ने अमाउंट रफली भी निकाल ली थी, प्रोसीजर के बेस से भी निकाल ली थी, आई होप गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है, तो आप इसका एक बार रिवीजन कर लें क्योंकि ये आपको चैप्टर जो है वो थोड़ा टेक्निकल है, तो इसको आई होप कि अपन को अच्छे से समझना है, ठीक है, ये बैलेंस शीट करता है अपन ने ट्रांसफर कर दिया, ये ही तीन अकाउंट इसमें बनाए हुए थे और ये मैंने आपको अच्छे से समझ में यानी कि आपको अच्छे से समझा दी, ठीक है, तो आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, अगर गाइस कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें क्योंकि अगर ये चैप्टर की अगर आप प्रैक्टिस नहीं करें तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है, ठीक है, तो आई होप गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, तो मिलते हैं गाइस अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।